हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर जारी है झारखंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, झारखंड की परिवहन और संचार व्यवस्था। छात्रगण, इससे पहले 2 से 3 क्लास में हम झारखंड की परिवहन प्रणाली के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन का दायरा ऐसा था कि आपका प्रश्न अगर परिवहन से पूछी जाएगी तो इसमें कोई शंका नहीं होगी कि आपके प्रश्न कभी नहीं छूटेंगे, आप एकदम विश्वासपूर्वक अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मैंने प्रयास किया है आपको वायु परिवहन और रेल मार्ग को बताने की। छात्रगण, उसी परिवहन व्यवस्था का ही एक पार्ट है कम्युनिकेशन, संचार, और संचार के माध्यम से हम ही देखेंगे इस चैप्टर में कि झारखंड में जो संचार का जो माध्यम कम्युनिकेशन है वो परिवहन, रेल, वायु के अलावा भी टेक्नोलॉजी, तकनीकी का भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे झारखंड का झारनेट हो, भारत नेट हो, झारखंड के ई सर्विस हो, इस सारी बातों को, चाहे झारखंड का डाक सेवा हो, इस सारी बातों को इस कम्युनिकेशन चैप्टर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो छात्रगण, आपका हेडिंग होगा झारखंड की संचार व्यवस्था, जो कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था का ही पार्ट्स है, इसीलिए मैं चैप्टर चेंज नहीं किया हूं, यहां 18 का डी लिख दिया हूं, पहले से लिखा था अब डी लिख दिया, क्योंकि ये परिवहन चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो आपका हेडिंग होगा झारखंड की संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन झारखंड। ओके छात्रगण, देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, वर्तमान समय सूचना क्रांति का है। वर्तमान समय सूचना क्रांति का है, सूचना क्रांति का है। सूचना के क्षेत्र में इतनी तेजी के साथ, सूचना के क्षेत्र में इतनी तेजी के साथ विकास हुआ है, सूचना के क्षेत्र में इतनी तेजी के साथ विकास हुआ है कि संपूर्ण विश्व की दूरियां, डिस्टेंस, संपूर्ण विश्व की दूरियां सिमट गई है, संपूर्ण विश्व की दूरियां सिमट गई है। ऐसे में झारखंड भी इस क्रांति से अछूता नहीं है, ऐसे में झारखंड भी इस क्रांति से अछूता नहीं है। अर्थात यहां भी सूचना क्रांति के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। व्यापक बदलाव देखने को मिलता है जो इस प्रकार है। लिखिए नंबर फर्स्ट, डाक व्यवस्था, पोस्टल स्ट्रक्चर, डाक व्यवस्था। इसमें लिखिए डाक व्यवस्था में अलग राज्य निर्माण के पश्चात 2001 में
2001 में भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग ने झारखंड डाक सर्कल का गठन किया, जिसमें संपूर्ण राज्य के लिए पिन कोड का प्रथम अंक आठ के रूप में प्रयोग किया गया, और वर्तमान में झारखंड में डाकघरों की कुल संख्या 3094 है। नेक्स्ट लिखिए, नंबर टू, आकाशवाणी इसमें लिखिए, झारखंड में प्रसारण का मुख्य साधन आकाशवाणी केंद्र है, जिसके माध्यम से स्थानीय एवं प्रादेशिक, लोकल एंड रीजनल झारखंड में प्रसारण का मुख्य साधन आकाशवाणी है, जिसके माध्यम से स्थानीय और प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, राज्य में राज्य में रांची आकाशवाणी का मुख्य केंद्र है जो उच्च शक्ति की ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है। यद्यपि रांची में रेडियो संचार के अंतर्गत आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1957 में की गई थी, और जहां से 1964 ईस्वी में
स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज, और जहां से स्थानीय भाषाओं में प्रसारण आरंभ हुआ था। और वर्तमान में रांची आकाशवाणी से नौ भाषाओं में प्रसारण होता है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट, रांची के अलावा अन्य आकाशवाणी केंद्र चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग तथा मेदिनीनगर है। यद्यपि वर्तमान में झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन यद्यपि वर्तमान में झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन स्थित हैं। नेक्स्ट लिखिए, दूरदर्शन व्यवस्था। देखिए, इसमें दूरदर्शन विभाग में इसका पांचवा पॉइंट है, आम लोगों को शिक्षित और जागरूक करने में तथा सूचना के प्रसार में टेलीविजन प्रसारण एक प्रभावी माध्यम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में टेलीविजन को ऑल इंडिया के साथ प्रारंभ में टेलीविजन को ऑल इंडिया के साथ प्रसारित किया जाता था, लेकिन 1959 में इसे ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके परंतु 1959 में इसे ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके दूरदर्शन का नाम दिया गया। ऐसे में
राज में सर्वप्रथम, ऐसे में राज में सर्वप्रथम रांची में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी दूरदर्शन की स्थापना की गई थी यद्यपि वर्तमान में दुमका, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, यद्यपि वर्तमान में दुमका, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, जमशेदपुर आदि स्थानों पर लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्र स्थापित किए गए हैं नेक्स्ट लिखिए छात्रगण, नंबर 4 लिखिए, झार नेट, वही भारत नेट की तर्ज पर है झार नेट झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं झार नेट लिखिए। इसमें वर्ष 2011 में भारत में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक तरह से बीएसएनएल का नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य देश के पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना था। जिसके तहत झारखंड में भारत नेट का प्रथम चरण का क्रियान्वयन झारखंड में भारत नेट का प्रथम चरण का क्रियान्वयन बीएसएनएल के द्वारा प्रारंभ में 7 जिलों
प्रारंभ में 7 जिलों में केंद्र सरकार की सहायता से शुरू किया गया। यद्यपि झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में नेटवर्क की उपयोगिता को देखते हुए झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई। लिखिए पांच में झारखंड स्टेट डाटा सेंटर। इसमें लिखिए 1 अगस्त 2016 से यह सेंटर कार्य कर रहा है। जिसकी देखभाल एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के द्वारा गठित समिति करती है। नेक्स्ट लिखिए कॉमन पेमेंट कॉमन पेमेंट गेटवे वही ऑनलाइन बोलते हैं उसको भुगतान, कॉमन पेमेंट गेटवे। इसमें लिखिए सन 2013 में झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को सरल बनाने के लिए कॉमन पेमेंट गेटवे योजना प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक
घर बैठे अपना कर शुल्क तथा सेवाओं का भुगतान इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक घर बैठे अपना कर शुल्क तथा सेवाओं का भुगतान निकटतम प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से कर सकता है। कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए ई जिला बोलते हैं अंग्रेजी में ई डिस्ट्रिक्ट। इसमें लिखिए राज्य के 24 जिलों में झारखंड सेवा पोर्टल को लागू किया गया है। जिसमें 54 सेवाएं प्रदान। झारखंड के 24 जिलों में झारखंड सेवा पोर्टल को लागू किया गया है जिसमें 54 सेवाओं 54 सर्विस जिसमें 54 सेवाओं या 54 सेवाएं प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत आय जाति आवासीय मृत्यु जन इत्यादि प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए छात्रगण। नेक्स्ट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बोलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वही IIT IIT लिखिए इसमें झारखंड में केंद्र सरकार के सहयोग से निजी सार्वजनिक भागीदारी से IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की स्थापना की गई है। जिसमें मानव संसाधन विकास विभाग तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त
तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अस्थाई तौर पर, अस्थाई नहीं अस्थाई, अस्थाई तौर पर NIT नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIT गेटवे इंस्टीट्यूट, NIT गेटवे इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में वर्ष 2016 में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ कर दी गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उपर्युक्त महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था के अंतर्गत, लिखिए पहला चयन करके, उपर्युक्त महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र वही JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना रांची में 2003 में की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड में अंतरिक्ष तकनीकों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन का मानचित्रीकरण तथा उसका आकलन करना है। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग JAP IT वही झारखंड एजेंसी ऑफ प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JAP IT का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया।
उसी में साथ ही साथ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना सिंदरी तथा जमशेदपुर में की जा रही है। जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को आधारभूत संरचना प्रदान करना है। तो छात्रगण, आपने झारखंड की संचार व्यवस्था, जैसा कि आपको मालूम है, पूरी दुनिया अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया सिमट गई है। क्रांति अभी कहीं आ रही है तो वो क्रांति टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में आ रही है। ऐसे में झारखंड भी इस सूचना क्रांति से अछूता नहीं रहा है और उसी का परिणाम है झारखंड में सूचना के क्षेत्र में अनेक संस्थान कायम किए गए हैं, जिसके माध्यम से सूचना के अलावा अन्य बहुत सारी बातों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। छात्रगण, ओके, थैंक यू।